एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रट्टा गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि जुलाहा ही अकेला था। चोरों ने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो, हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो ढेरों लाओ। जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शवों को ला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो ढेरों लाओ, तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो, तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रट्टा हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बरातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, वह वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा उठा, आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।